हर साल 2 अक्टूबर को भारत के हर कोने कोने के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों में भी महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर जगह जगह रैली, पोस्टर, प्रतियोगिताएं, स्पीच, डिबेट, नाटक समेत कई तरह के आयोजन जो है वो किए जाते हैं। लेकिन इस बार हम ऐसा तो नहीं कर सकते, पर फिर भी हम दिल से उन्हें याद तो कर ही सकते हैं। इस साल हमारे राष्ट्रपिता की 151वीं जयंती है, तो चलिए याद करते हैं उनकी महानता के वो पल, गांधी जी और सत्याग्रह। 1906 से 1907 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए अनिवार्य पंजीकरण और पास के खिलाफ छेड़ा गया था। हरिजन समाज और गांधी जी। हमारे समाज में जिन समुदायों के लोगों को अछूत कहा जाता था, उन्हें बापू ने हरिजन नाम दिया, जिस शब्द का अर्थ है हरि यानी कि भगवान की संतान। इस एक पहल ने इन समुदायों के लोगों को सम्मानजनक जीवन दिलाने की कोशिश में बड़ी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता में अहिंसा की भूमिका। जब भी इस अहिंसा की बात आती है तो सबसे पहले बापू का नाम आता है। महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा के मायने समझाए, बताया कि अहिंसा एक व्यक्तिगत आदत है जिसका अर्थ है कि किसी भी परिस्थिति में खुद को या दूसरों को क्षति न पहुंचाई जाए। बापू और भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट से जानते हैं, की शुरुआत की थी। तब दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था। इसी आंदोलन के दौरान बापू ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। विश्व युद्ध खत्म होने तक ब्रिटिश सरकार ने कह दिया कि वह भारत को उसकी शक्तियां वापस करेंगी। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जयंती की सबसे खास बातों में से एक यह है कि इस दिन को पूरी दुनिया अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए सर्वसहमति से वोट दिया था। कहा गया था कि गांधी जी ने दुनिया को सिखाया है कि शांति का मार्ग अपनाकर भी आजादी पाई जा सकती है। उनका मानना था कि हिंसा का रास्ता चुनकर हम कभी अपने अधिकार नहीं पा सकते। अहिंसा की राह पर चलकर ही राष्ट्रपिता ने दक्षिण अफ्रीका में करीब 75,000 भारतीयों को उनके अधिकार दिलाए थे। मोहनदास करमचंद गांधी से राष्ट्रपिता का सफर। जो शख्स बैरिस्टर बनकर वकालत की प्रैक्टिस करने दक्षिण अफ्रीका गया था, वह मोहनदास करमचंद गांधी था। लेकिन उनकी विचारधारा और लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ने के उनके तरीके ने उन्हें राष्ट्रपिता और महात्मा की उपाधि दिलाई। वह सन 1900 की शुरुआत में भारतीय प्रवासी बनकर वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए थे। फिर पहले विश्व युद्ध तक भारत और भारतीयों के हक के लिए लड़ने वाले नेतृत्व बनकर उभरे। फिर अपने देश वापस लौटे और अंतिम सांस तक अपनी विचारधारा के बल पर ही दूसरों के लिए लड़ाइयां लड़ते रहे। शत शत बार नमन करते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।